लोगों को ऐसी गारंटियां दी थी और गारंटियां देके जैसे छू मंतर हो गई, उनकी गारंटियां भी छू मंतर और केजरीवाल भी छू मंतर। अब जैसे पंजाब से लोगों को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया, सारे देश के लोगों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सारा देश समझ चुका है कि ये कट्टर बेईमान लोग हैं जो गारंटियां देते थे स्कूल और अस्पताल बनाने की, लेकिन स्कूल का मंत्री, अस्पताल का मंत्री समेत उनका मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार करके जेलों में बंद है और इतने बेशर्म हैं कि अभी भी जेल से कहता मैं मुख्यमंत्री का मैं अपना पद नहीं छोड़ूंगा, मैं जेल से चलाऊंगा। तो ये एक नया बदलाव आया है देश में बेशर्मी का, जहां लोगों के ऊपर जो कोई दाग भी लगता था वो पहले स्टेप असाइड करते थे कि जांच हो जाए तब हम अपना पद संभालेंगे। ये इतना बड़ा बदलाव आ गया है कि जांच छोड़ो, जेल हो गई है, कोई आपको बेल नहीं दे रहा है। डेढ़ डेढ़ साल से आपके साथी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ूंगा, और लोगों का नुकसान हो रहा है। स्कूल में बच्चों को किताबें नहीं मिल रही हैं, कोई विकास का काम हो नहीं सकता क्योंकि मुख्यमंत्री जेल में बैठे फाइल साइन नहीं हो सकती। सो बेशर्मी की हद। और वही जो शराब का घोटाला जिस करके वो जेल में गए, जिस घोटाले के बारे में कांग्रेस ने कंप्लेंट की थी कि इतना बड़ा घोटाला होया है, वो कांग्रेस कितनी बेशर्म हो गई है कि अब केजरीवाल के हक में धरना दे रही है जब उन्हीं के खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट किया था। और मैं तो केंद्र से भी पूछती हूँ कि पंजाब के सिलसिले में क्या साजिश चल रही है, क्योंकि वही घोटाला उन्हीं लोगों ने पंजाब में भी किया, पंजाब के खजाने में भी बहुत बड़ा चूना लगाया है। और ये बात मैंने पार्लियामेंट में भी उठाई और अमित शाह जी ने अश्योर किया था कि इसकी भी जांच होगी। क्या कारण है कि 8 महीने से भगवंत मान को हाथ नहीं लगाया जा रहा है? क्या भगवंत मान, जिसको पता लग गया कि केजरीवाल को जेल में डाल दिया अगला नंबर मेरा है, अब वो सेंटर का एजेंडा चला रहा है, अब सेंटर के साथ इनका गठजोड़ हो गया। सो भगवंत मान का गठजोड़ कहाँ कहाँ हुआ है वो तो हम सबको देखने को मिला कि जब केजरीवाल जेल में गया तो भगवंत मान कहाँ उड़ रहे थे। इन्होंने पिछले 2 सालों में पंजाब में समय कम और केजरीवाल के समय ज्यादा, जिस करके पंजाब के हालात ऐसे हो गए हैं कि यहाँ पे गैंगस्टरों का राज चल रहा है। कोई घर से बाहर निकले तो चोरी, डकैती, कत्ल, दूसरे पास तरफ नशों के शिखरों तक इतनी हद हुई है कि घर घर तक नशे पहुंचे हुए हैं। रोजगार का कोई नाम नहीं है, एक भी गारंटी इन्होंने पूरी नहीं करी है और ऊपर से इतना कर्जा चढ़ा दिया है कांग्रेस और आम आदमी ने मिल के, 2 लाख करोड़ का कर्जा जो 50 सालों में नहीं किसी सरकार ने चलाया था, इन दोनों ने 7 सालों में 2 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा के आज मुलाजमों को तनख्वाह देने के लिए भी इनको लोन लेना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है। ये पंजाब के हालात कर दे, एक ईंट यहाँ पे डेवलपमेंट की नहीं, ना किसी को 1000 रुपया मिला है जो इन्होंने गारंटी दी थी, ना कोई अस्पताल बना है, ना कोई स्कूल, मतलब जितनी गारंटियाँ दी थी और इश्तेहार बाजी का सब चला, सारा पैसा इश्तेहारों में कि यहाँ पे बेरोजगारी खत्म, यहाँ पे नशे खत्म, यहाँ पे करप्शन खत्म। करप्शन तो निकल के आएगी जितनी केजरीवाल ने करी उससे 10 गुना ज़्यादा। जो कहते थे कि हम रेते की करप्शन बंद करेंगे, शराब की करप्शन बंद करके 40,000 करोड़ रुपए बचा के 1,000 औरतों को देंगे, तो क्लियरली 2.5 साल से औरतों को उनका 26,000 नहीं मिला है। इसका मतलब आपकी करप्शन खत्म नहीं हुई है, इसीलिए रेते और शराब की प्राइसेस बढ़ रही है, क्योंकि आप उन पैसों से पंजाब के लोगों का भला करने के लिए खजाने को चुना लगा के आप केजरीवाल का भला कर रहे हैं। मदर डे है, मामा नाल मीटिंग भी की है, कैसे फील कर रहे हो? जी आज बहुत ही खास दिन औरतों वास्ते, क्योंकि एक माँ होन एक यहो जहा रिश्ता हैगा जड़ा हरेक औरत नो नसीब होना चाहिए है। तो मावा नो हर धर्म ने सत्कारिया है, साढ़े अपने सिख धर्म से सोख्यू मंदा आखे जित जमे राजान करके बच्चिया नो मावा नो भैनों नो पूरा सत्कार संगत विच लंगर विच पंगत विच बराबरी का दर्जा परमात्मा गुरु साहब ने दिता। तो अज इस वूमनस डे से सारी मेरे मातावान के नाल भैनों के नाल असी ये वूमनस डे कट्ठे आप हो बड़ी खुशी होती है कि अपने लोगों का। मदर डे की गल की है, मामा भैन की गल की है, तुम पिंड गए हो, मामा भैन बहुत दुखी ने खासकर नशे तो, अज की वादा करते हो? खासकर अज मदर डे है, वो वादा करो जो पूरा करोगे इलेक्शन। बिल्कुल, अज असी भागा वाले हैं कि शायद इतने जोड़े सारे लेडीज कट्ठे हुए ने, इन्हों के बच्चे शायद चंगे स्कूलों से पढ़ लिख के, हो सकता है काफ़ी सारे विदेश चले गए क्योंकि इतने कोई भविख नज़र नहीं आता। लेकिन जब मैं पिंडा से जाती हाँ, वो गरीब मावा जेडे अपने बच्चों अपना ढिड बन के औखे सौखे होके किवें उन्होंने पाल पोस के व्डा करते हैं कि ये इसे नौकरी से लग जाएंगे, बुढ़ापे का सहारा बन जाएंगे। लेकिन की सहारा तो की नौकरी, घर घर नौकरी के लारे कांग्रेस ने लाए,
ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਗਲੀ ਗਲੀ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਪਈਆਂ ਮਾਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਦੋ ਦੋ ਨਹੀਂ ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੌਣ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੀ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਝਾੜੂ ਦੇ MLA ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਪ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ MLA ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਬੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹੀਨੇ ਬੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚ ਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤਕੜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਫੜਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇਖੋ ਰੋਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਫੜਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਝਾੜੂ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜੇ ਨੇ ਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤਾਈਂ ਨਸ਼ੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤਕੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਮਦਰ ਡੇ ਹੈ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਘਰ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੀ ਮੈਮ ਮੰਮਾ ਜੀ ਘਰੇ ਰਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲਓ ਸੋ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਸਾਰੇ ਜਦ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਥੱਕੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਸੋ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਝਿੜਕਾਂ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਰਬੜੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਭਰਿਆ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਏਜੰਟ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾ ਬੈਠਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਜਦ ਮੈਂ ਕਣਕ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੀ ਸੀ ਇਹ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਸੀ ਸੋ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਏਜੰਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਤਾ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਘਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜਾਦੂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ